तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका स्वागत है आपके चैनल ग्रो ऑर्गेनिक में। आज की इस वीडियो में मैं अपने गार्डन में कुछ लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग करके आपको दिखाऊंगा और एक क्विक अपडेट दूंगा कि क्या मेरे गार्डन में इस टाइम उग रहा है और आगे क्या क्या मैं उगाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले हम लौकी की तरफ। देखिए लौकियाँ खूब सारी लगी हुई हैं मेरे घर पर और ये देखिए ये लौकी आज मैं हार्वेस्ट करूँगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये लौकी हार्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल रेडी है, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए ये लौकी लगकर तैयार है और इसको अब हम हार्वेस्ट कर लेंगे। लौकी का साइज़ देखिए काफ़ी बड़ा है। एक ये लौकी भी तैयार है, इस लौकी को भी हार्वेस्ट कर लेंगे। साइज़ बहुत बड़ा नहीं हुआ पर मोटी है देखने में। और अभी देखिए एक ये लौकी लग रही है, इसको अभी आज के लिए हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, इसकी हार्वेस्टिंग हम कल कर लेंगे। तो ये दो लौकियाँ अभी मैंने हार्वेस्ट करी हैं, ज़्यादा नहीं करूँगा, आज के लिए दो लौकी बहुत है। तो ये देखिए इधर ककड़ी तैयार है तोड़ने के लिए। तो अब सीज़न इसका जा रहा है, बारिश हो रही है तो मैं इसको पहले ही तोड़ लेता हूँ पूरे साइज की होने से, नहीं तो बारिश में ये ख़राब हो जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, तो इन ककड़ियों को भी यहाँ पर रख देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट सब्जी की तरफ। तो चलिए ये पड़े करेले हमारे, ये दो करेले मैं यूज़ नहीं करूँगा। देखिए इसमें छेद हुआ हुआ है, इसमें पक्का कोई पेस्ट का अटैक हुआ है इसको, और ये येलो वाले करेले को हम यूज़ नहीं करेंगे। बाकी ये करेले बिल्कुल हेल्दी हैं और खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ये देखिए ये अमरूद भी तैयार है अब हार्वेस्टिंग के लिए, इसको भी यहाँ से हम काट लेते हैं। एक अमरूद नीचे भी मुझे लग रहा है कि हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो गया है। तो ये देखिए दो अमरूद भी मुझे मिल गए हैं, आप ये देख सकते हैं। इसमें और भी अभी अमरूद आने की तैयारी हो रही है, ये देखिए कलियां बन रही हैं और नए अमरूद भी आएंगे। ये जो पौधा है मैंने 24 बाय 24 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और लगभग एक साल हो गया है इस पौधे को, और पिछले साल अगस्त के महीने में मैंने इसको लगाया था। तो अब देखिए ये अमरूद का पौधा मुझे फल देने लग गया है। इस तरफ चलते हैं, एक ये अमरूद का पौधा भी लगा हुआ है, ये ताइवान विंग पिंक वैरायटी का है पर अभी इसमें कोई फूल नहीं आए। फूल जो आए थे उनको मैंने काट दिया क्योंकि पौधा भी छोटा है। तो चलिए अमरूद भी रख देते हैं यहाँ पर। देखिए बहुत ज़्यादा सब्जी हार्वेस्टिंग करने के लिए नहीं मिली पर कि पिछले कुछ दिनों से मैं अपने गार्डन की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाया और मैंने सब्जियाँ भी कम उगाई हैं इस सीज़न में। तो अब अगस्त का महीना आ गया है तो मैं सर्दियों की सब्जी अभी से ही लगानी शुरू करूंगा, फिर आपको अगले दो तीन महीने में ढेर सारी सब्जियां तोड़कर दिखाऊंगा। चलिए इस तरफ चलते हैं, यहाँ पे देखिए भिंडी भी लगकर तैयार है, इसको भिंडी को भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं आज। भिंडी के पौधे में कांटे भी होते हैं थोड़े थोड़े। अभी देखिए इधर से मेरे को चार भिंडी तोड़ने को मिली हैं, एक भिंडी और भी दिख रही है मुझे शायद, जी देखिए इधर लगी हुई है। तो ये देखिए मैंने चार से पांच पौधे इधर लगाए हुए हैं ग्रो बैग में और इसमें भिंडियां मुझे कम तोड़ने को मिली हैं। क्या होता है कि रोज एक एक दो दो भिंडी आपको एक पौधे में मिलती है तोड़ने को। बाकी नेक्स्ट छोटी भिंडियाँ देखिए अभी लगकर तैयार हो रही हैं। देखिए यहाँ पर ये फूल भी लगा हुआ है भिंडी का, तो इस पर भी अभी कुछ दिनों में भिंडी आ जाएगी। बाकी कुछ नए पौधे जो उनसे छोटे पौधे देखिए मैं तैयार कर रहा हूँ भिंडी के, ये भी लगकर अभी तैयार हो रहे हैं और अगले महीने इनमें से भी मुझे हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। चलिए इस तरफ चलते हैं, यहाँ पर भी कुछ भिंडी के पौधे लगे हुए हैं, इसमें देखते हैं कि कुछ अगर भिंडी मुझे तोड़ने को मिलेगी आज। तो ये देखिए ये भिंडी दिख रही है मुझे,
भिंडी कम ही तोड़ने को मिली है आज। अच्छा देखिए ये करेले लगे हुए हैं, इधर देखिए ये मैंने अपने घर पर सेब का पौधा लगाया था जो कि अब पेड़ बन गया है और देखिए काफ़ी बड़ी हाइट का हो गया है, लगभग 6 फुट से ऊपर का ये साइज इसका हो गया है। मैं सोच रहा हूँ इसकी अभी ट्रिमिंग कर लूँ और देखते हैं कि कुछ इसमें अगर हमें फूल देखने को मिलें। इस तरफ देखिए मैंने बैंगन के पौधे लगा दिए थे सर्दियों के लिए और ये बैंगन के पौधे अब लगभग 1.5 से 2 महीने के हो गए हैं और इनमें भी अब फूल आने शुरू हो गए हैं। मैंने पीछे थोड़ी सी इनकी प्रूनिंग कर दी थी ताकि ये अच्छे से फैल सकें। तो ये देखिए बैंगन मैंने अपने घर पर लगाए हैं और आजकल में मैं कुछ बीज भी लगाऊंगा जो कि सर्दियों के पौधों के होंगे, उसका भी अपडेट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इस तरफ देखिए ये मेरा मिर्च का पौधा है और इसमें भी देखिए ढेर सारे फूल अब आ रहे हैं, तो देखिए फूल बनकर तैयार हो रहे हैं, इसमें भी कुछ ही दिनों में मुझे मिर्ची तोड़ने को मिल जाएंगी। तो ये मैंने जो मिर्च का पौधा है ये 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और लगभग ये मिर्च के पौधे को 8-9 महीने हो चुके हैं और अभी भी इसमें फूल आ रहे हैं। इस तरफ चल रहे हैं, इस तरफ देखते हैं, ये देखिए इस तरफ मैंने वाइट कलर के बैंगन का पौधा लगाया है जिसमें देखिए 2-4 बैंगन भी लगकर तैयार हो रहे हैं। तो अभी ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी नहीं है क्योंकि ये अभी छोटे हैं, तो ये भी मैंने 12x12 इंच के ग्रो बैग में लगाया है और इसमें अभी बैंगन लगकर तैयार हो रहे हैं। बाकी आपने मेरे घर पर ये देखा ही है मैंने लौकी किस तरह से क्रीपर नेट पर लगाई है और इधर देखिए मैंने फ्लाई ट्रैपर भी लगाया हुआ है जिसकी मदद से मेरी लौकी को फ्लाइज ख़राब नहीं कर पाती। आज मैं फ्लाई ट्रैपर 2-3 और लाऊंगा ताकि मैं ये करेले के पौधों जो बेल है इसके पास भी इनको लगा दूंगा जिससे करेले को भी फ्लाइज का अटैक से करेले भी बच जाएंगे। इधर देखिए ये वेटना माल्टा मेरे घर पर लगा हुआ है और इसके साथ ही देखिए 2 छोटे माल्टे और लगकर तैयार हो रहे हैं। ये दोस्तों मैंने 24x24 इंच के ग्रो बैग में ये पौधा लगाया था लगभग पिछले साल अगस्त के महीने में, तो देखिए 1 साल में अभी यही इसकी ग्रोथ है, काफ़ी देर से बढ़ता है जो सिट्रस प्लांट होते हैं बट इसमें फ्रूटिंग आनी शुरू हो गई है। वैसे फर्स्ट फ्रूटिंग मुझे नहीं लेनी चाहिए थी बट मुझे थोड़ा सा लालच आ गया और मैंने इसमें ये लगा रहने दिया, मैंने इसको निकाला नहीं। तो ऐसा आप भी अपने घर पर पौधे लगा सकते हैं। और कुछ इस तरफ देखिए ये शिमला मिर्च के पौधे मेरे घर पर कुछ लगे हुए हैं और देखिए इस तरह से इनमें लीफ कर्ल का अटैक हो गया है वायरस का। अब ये लीफ कर्ल जो इसमें हुआ है ये इसका रीज़न ये है कि मौसम में एकदम से चेंज आना, एकदम मौसम बारिश का हो जाता है और एकदम धूप आती है तो उससे भी जो लीफ कर्ल है वो आ जाती हैं। अब देखिए इस तरफ जो ये पौधा है मेरा इसमें लीफ कर्ल का अटैक नहीं हुआ है शिमला मिर्च के, तो इसका सीधा सा इलाज ये है कि आप इसको कुछ इस तरह से ट्रिम कर सकते हैं। देखिए मैंने पौधे को अच्छे से इसके जो मुड़े हुए पत्ते थे उनकी मैंने प्रूनिंग कर दी और अब मैं इनको छोड़ दूंगा, ये 1 से 2 महीने में बिल्कुल लगकर अच्छे से तैयार हो जाएंगे पौधे और इनमें नए पत्ते आ जाएंगे जिनमें लीफ कर्ल नहीं होगा। तो ये देखिए ये सब्जियां मुझे हार्वेस्ट करने को मिली हैं आज और आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।